तो हम लोग अपने गेम में यही करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि नहीं जो होता है इसकी मारेंगे या उसकी मारेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा भैया कि आपने जो ऐसा थंबनेल लिख के डाला है, ऐसा आप वो कर रहे हो, ये डेफिनेटली मतलब अच्छा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विक्की मलिक। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है ये है यूट्यूबर तरुण गिल और सिद्धांत जायसवाल की तरफ से। तो सुबह सुबह आज तरुण गिल ने वीडियो डाला। वीडियो का थंबनेल जो था उसमें वो लिखे थे ये यूट्यूबर मारेगा सबकी जी, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या बोलने का था उनका। तो यही चीज़ आई गेस सिद्धांत जायसवाल को अच्छा नहीं लगा। सिद्धांत जायसवाल जो है वो एक बहुत अच्छे एथलीट है इंडिया के, एंड तरुण गिल की काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिस्पेक्ट की, जबकि तरुण गिल को काफ़ी लोग गलत गलत बोल रहे थे, बट कम्युनिटी इंडियन एथलीट की वो तरुण गिल को सपोर्ट करते हैं। एंड मैंने हमेशा ही देखा है जो एथलीट्स है वो तरुण गिल की रिस्पेक्ट करते हैं, बट उन्होंने जो ये लिखा था ये आई गेस उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि उसी के रिगार्डिंग सिद्धांत जायसवाल ने एक वीडियो बनाया। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इज्जत दीजिए इज्जत मिलेगा। मैंने एक यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देखा जो कि मुझे रियली अच्छा नहीं लगा। अभी क्या हुआ था, एक दिन दो दिन पहले पोस्टर रिलीज हुआ था, तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग कि मतलब आपने यूट्यूबर का पोस्टर क्यों डाला, नहीं डालना चाहिए था, एथलीट का डालना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन था। तो मेरा मानना ये है, मैंने बोला कि देखो एंड ऑफ द डे अगर गेम प्रमोट होगा, इंडस्ट्री प्रमोट होगी, बॉडी बिल्डिंग के बारे में जितना अवेयरनेस फैलेगा, जितना लोग जानेंगे उतना ज़्यादा हर किसी के लिए अच्छा है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो यूट्यूबर हो या जो भी हो, पूरी की पूरी फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो होगी। तो मैंने उस चीज़ का सपोर्ट किया था, बट अभी मैंने यूट्यूब पे एक थंबनेल देखा जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसमें जो होता है, अब वो भाई साहब को मैं हमेशा जो होता है मैं खुद उनको भैया बोलता हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और क्योंकि वो मेहनत, जो भी देखो जो भी स्टेज पे चढ़ता है वो मेहनत करता है, और अपना गेम क्या है, अपना स्पोर्ट्स क्या है, अपना गेम ये सिखाता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है, UFC फाइट नहीं हो रहा है कि एक को मार के आपको गिराना है, दूसरे को मार के गिराना है, नहीं, ऐसा अपना गेम नहीं है। अपना गेम ये है कि आप सालों साल आप जितना डिसिप्लिन में रहते हो, आप जितना मेहनत करते हो, जितना कंसिस्टेंट रहते हो, वो चीज़ को जाके आप अपना स्टेज पे डिस्प्ले करते हो, और उसके बाद फिर आपको जो भी चीज़ें मिलती है, जो भी रिजल्ट मिलता है वो आप एक्सेप्ट करते हो, और जो चैम्पियन होता है उसको आप अप्रिशिएट करते हो। तो हम लोग अपने गेम में यही करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि नहीं जो होता है इसकी मारेंगे या उसकी मारेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा भैया कि आपने जो ऐसा थंबनेल लिख के डाला है, ऐसा आप वो कर रहे हो, ये डेफिनेटली मतलब अच्छा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। आपका इतना एज है, आप मेच्योर हो, आप इतने सारे बॉडी बिल्डर से मिले हो, आप जानते हो, तो ये बिल्कुल मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। मैंने आपके यूट्यूब पे भी जाके कमेंट किया कि ये सही नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा आप काम मत करिए कि जिससे जो होता है किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचे। आप भी मेहनत कर रहे हैं, दूसरे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हर कोई वहाँ पे जाएगा स्टेज पे, अपने आप को दिखाएगा, अपना जो उसने मेहनत किया है, और जो भी चैंपियन बनता है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अभी जैसे मैं इतने साल से कंपटीशन खेल रहा हूँ, कभी मैं जो होता है मुझे जो होता है गोल्ड मिलता है, कभी जो होता है मुझे प्लेस नहीं मिलता, तो अगर मैं जीतता हूँ तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि नहीं मैंने उसका मार दिया, या जो होता है अगर मैं नहीं जीत पाया तो मैं ये बोलूँगा कि नहीं उसने मेरा मार दिया। तो ये नहीं है, अपना गेम ये नहीं सिखाता है। अपना गेम ये सिखाता है कि प्यार से रहिए, और जो भी मतलब आ रहा है, जुड़ रहा है, उसको सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा था, तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अक्सर रिस्पेक्ट करता हूँ कि भैया ये यही चीज़ मुझे लगा, तो मैं बोला कि हाँ मैं आप लोगों से बोलूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा और बहुत सारे लोग अजीब अजीब चीज़ें उससे बोल रहे थे, मैं बोला नहीं चलो मैं अपना रिएक्शन इस पर रख देता हूँ, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अपना ओपिनियन पूछ रहे थे, मैं हमेशा जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं हर किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, हर किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और ये किसी का वो नहीं है कि ये नहीं खेल सकता, वो नहीं खेल सकता, हर कोई खेल सकता है। आप आइए, मेहनत करिए,
अपना मेहनत जो होता है स्टेज पे डिस्प्ले करिए, बट किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करिए आप ये सब चीज़ें लिख के कि ये सबकी मारेगा और ये मतलब ये बहुत ही गलत वर्ड है जो कि आप यूज़ ना करें, बस यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड सैम भाई हैं, सैम भाई से थोड़ा 5 मिनट के लिए बात किया जाए। जस्ट मील कर रहा था, मैं देख रहा था और मैं बोला चलो कोई नहीं, सैम भाई नहीं है और कोई है तो मैं बात करता हूँ, तो फिर अभी थोड़े टाइम के बाद मुझे ट्रेनिंग पे निकलना है। चलो ठीक है एवरीवन, अपना ख्याल रखो और इज्जत दीजिए, इज्जत मिलेगा, बस और कुछ नहीं है। और बाकी सबको जो होता है बेस्ट विशेस, अच्छे से मेहनत करिए और जो भी चीज़ है अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। अब सैम भाई जो होता है 2019 में विनर बने थे, ओवरऑल विनर बने थे, हर किसी को उन्होंने जो होता है बीट करके चैंपियन बने थे। तो सैम भाई ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मैंने सबको जो होता है पटक के उनका मार दिया, उनका ये कर दिया, ये नहीं है अपना गेम, ये नहीं है अपना गेम। जो होता है हर किसी को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, जो दूसरे लोग भी जो दूसरे इंडस्ट्री के भी देखते हैं तो वो यही अप्रिशिएट करते हैं कि देखो ये लोग इतना मेहनत करते हैं, इतने जो होता है मतलब इतने सालों साल डिसिप्लिन में रहते हैं और उसके बाद फिर स्टेज पे आते हैं, एक दूसरे जो भी विनर होता है उसको गले लगाते हैं, दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये चीज़ है अपना मतलब थोड़ा सा अटपटा लगा था मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। यस भाई, अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट डिसरिस्पेक्ट तो ना ही करे तो वो ज्यादा बेटर है। वॉशरूम से निकले कि नहीं भैया, क्या हाल चाल? हाँ आवाज नहीं आ रहा, देखो बाहर कौन है सर, आपने रिजल्ट नहीं दिया गिव अवे का। मैं आज बात करता हूँ किक्स एडिक्शन से और फिर जो गिव अवे है उसका मैं बताता हूँ। रंजीत भाई हैप्पी दिवाली, जय श्री राम भाई, लव यू। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई कैसे भाई? वॉशरूम में था भाई इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से लगे हुए हैं, सारे लोगों को देख के भी अच्छा लग रहा है। और ये चीज थोड़ा सा मैंने देखा था, वो थोड़ा मुझे अटपटा लगा यार। ये बहुत सारे लोगों ने भेजा, फिर मैंने भी बहुत सारे लोगों से वो किया, मैं बोला यार ये क्या है, ये तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, मतलब कि आप ऐसा लिख के डाल रहे हो, ये जो होता है सबकी मारेगा सबकी वो करेगा। हम सब तो आपको प्यार कर रहे हैं ना, आपको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं और करेंगे, अपना गेम यही सिखाता है। रिस्पेक्ट योर कॉम्पिटिटर्स, उनको हरा के हम चैंपियन बनते हैं। क्योंकि अपना गेम वो थोड़ी ना है, बॉक्सिंग थोड़ी ना कि मार के उसको गिरा देना है, फिजिकल तो कुछ होना नहीं है अपने को, क्या है कि जितना मेहनत कर रहे हैं सब जाके स्टेज पे डिस्प्ले करना है। और हम लोग कुछ ऐसा बोल भी नहीं रहे हैं कि नहीं यार आप ऐसा करोगे, आप वो करोगे, आप वो करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे। और मैंने भी ना, मैंने भी, मेरे भी एक दो मतलब भाई जो मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो भी बड़ा डालते थे कि ये कर देंगे, मैं कहा नहीं यार अपनी फोटो डालो और शांति से बस तैयारी करो। हाँ, जैसे मैंने कहा आप कर रहे हो वैसे वैसे आप लिखो कि हाँ मैं अच्छा करूंगा, मैं सर आई एम गिविंग माय बेस्ट, यस ये वो, मगर आप ये बोलोगे कि जो होता है मैं सबकी ये कर दूंगा डैश 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 डैश, तो वो दूसरा भी थोड़ी आराम से बैठा है, अच्छा नहीं लगेगा ना यार, बोलते कि मारेगा दूसरा थोड़ी मरवाने को बैठा, वो भी रेडी आगे सब रेडी है ना। जब आप खेलोगे, मैं तो यही बोला कि जो भी बंदा स्टेज पे जाता है, जो भी स्टेज पे चढ़ता है, हर एक बंदा विनर है, ठीक है। yes. मगर अगर आप जो होता है आप ये बोलोगे नहीं ऐसा है तो यार बड़ा अजीब सा है ना, मतलब अगर हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग आपको वो कर रहे हैं, आप ऐसे बोलोगे तो फिर वो गलत चीज है ना। ये सिर्फ ना ये अभी जो मतलब ऐसा होता है, हमें बहुत टाइम हो गया पार्टिसिपेट करते हैं खेलते हुए, तो हमें पता है क्या चीज कैसे क्या करना है। अभी जब कोई नया नया तगड़ा होता है या किसी की पहली दूसरी बार अच्छी फॉर्म आती है, तो लोग ऐसा थोड़ा सोचते हैं कि अब भाई ये मारेगा या मैं मारूंगा सबको, अब नहीं छोड़ते हम। लेकिन पता तब चलता है जब एक पॉइंट ऊपर एक और उससे बड़ा योद्धा का पता तो रणभूमि में ही चलता है ना, तो आप रणभूमि हाँ, आपको पता चल जाएगा कितने बड़े सूरवीर हो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सिंपल सा है, इज्जत दो इज्जत मिलेगा,
अभी हाँ अभी कोई अपने बीच से अगर मिस्टर ओलंपिया भी बन जाएगा तो फिर वो थोड़ी ना बोलेगा मैंने सबकी ये कर दी सबकी वो कर दी, हाँ नहीं वो नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। अब सैम भाई जो होता है अगर प्रो शो खेलने जाएंगे तो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ी ना सैम भाई वहां से बोलेंगे तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम लोग की तो मैंने मार दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब मनोज भाई है, अफरोज भाई है, जितने भी लोग हैं हम लोग सब एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हैं, सबको जो होता है मोटिवेट करते हैं, तो आप अच्छा करो। भाई आप ये ले, थोड़ी ना कि आप अगर इस बार मजा बहुत आने वाला भाई, कसम से। हाँ मजा तो मैं तो आएगा, भाई मजा तो आएगा। इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन ना, मतलब लेवल ना मेंस फिजिक कंपटीशन का जो टफनेस लेवल है ना वो बहुत हो गया। इस मजा बार आपको आएगा, बहुत बहुत कुछ नया दिखेगा इस बार स्टेज पे, बहुत लोग यस आएंगे इस बार, बहुत ज्यादा लोग आएंगे। यस, वही है, बातों से नहीं एक्शन से जो होता है काम होगा पूरा ही। यस, और यहाँ बैठे जितने जितने भी जो भी प्रेप कर रहे हैं ना, जो भी लोग हैं, मतलब जो सोचते हैं मैं मार दूंगा मैं कर दूंगा, भाई हजारों लोग खेलने आएंगे इस बार ही, कम से कम 1,000 लड़का होएगा। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होएगा ना, जो सुपीरियर होएगा, वो आपको एज ए चैंपियन दिख जाएगा। और अपने गेम में बेस्ट यही होता है जो उस दिन पे पीक हिट कर दिया। आप सालों साल कितने अच्छे लगो, 2019 में मैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मेरा सब कुछ था, बट जो कुछ मुझे ऑन टाइम पे ऑन पॉइंट पे करना था वो चीज मैं नहीं कर पाया था, तो इसके लिए चुपचाप से हूँ। जिस दिन जो होता है जब अपना बेस्ट होता है, बॉडी, जब आप पीक कर दोगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। हाँ उसके आप पहले अपने बेस्ट पे आपको रहो, जितना हार जीत तो जितना है। बोलोगे ना उतना आपको सुनना पड़ेगा, तो बिल्कुल अगर बिल्कुल, आप मैं भी यही बस बोल रहा हूँ बहाने कर रहे कि हो अभी ना, हम, हाँ फिर अभी आप जो यही बोल मत रहे हैं सोचना मैं कि ये लोग कर मेरी दूंगा आप वो सूचना कर, क्यों कर रहे हैं। मैं यही बोलता हूँ, मैं जनता सब सुनती है, बाद में ना वो नोट करके रखती है क्या इसने बोला, फिर कमेंट सेक्शन में वही कुछ चलता है। बैठा हुआ था मैं बट यार, बड़ा अटपटा लगा, मैं बोला चलो बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू, कि हाँ मतलब मैं कह आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू कि आप स्टेज पे आओ और मजा आ जाए। और मैं यस दिल से भाई, चाहता यस हूँ भाई भाई, यस कि भाई, मैं मजा दिल से आएगा, चाहता हूँ नहीं इस बार मजा आएगा, कि मजा आपका इस बार आएगा। प्रो कार्ड लगे और हम जाएं सब साथ में खेल के जो आए जो बाहर। डिजर्विंग, जो डिजर्विंग हो उसका लगेगा भाई, बिल्कुल। भाई आप डिजर्विंग हो, आप बहुत डिजर्विंग हो, बट कभी ऐसा कि कभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता जिसकी वजह से अभी तक नहीं आया। बट मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मिस हो जाए, इस बार मैं 101% दिल से चाहता हूँ कि भाई आपका प्रो कार्ड लगे, और साथ के थैंक साथ यू हम भाई, अपडेट करेंगे IFBB प्रो अनस्टॉपेबल से। यस 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 भाई, जिस दिन लायक होंगे, जिस दिन सब कुछ होगा वो अपने आप नहीं नहीं ऊपर नहीं वाला भाई आप चलेगा लायक हो, भाई। ऐसा है कि कई बार लव ना यू हमदान भाई, स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट थोड़ी देर बाद पड़ती है, लेकिन यू आर जी कैपेबल टू डू एनीथिंग, जी, किया आएगा जाएगा मजा भाई, सब साथ में किया जाएगा, सब कुछ अच्छे से किया जाएगा। मजा आएगा। हाँ आप आ रहे हो ना, हाँ ले ले ले, मैं तो जब से मैंने लास्ट ओलंपिक के कुछ किया ही नहीं ऐसा, मैं तो एक्साइटेड ही बहुत हूँ आने के लिए, कितने जोर तारीख को आ रहे लगाया हो आप, मगर थोड़ा थोड़े से मैं आ जाऊंगा, 2 को आ जाऊंगा, दो हाँ दो को को, हाँ ऐसा ना कि भी घर पे अभी छोटा बेबी करके इस करके ना वो हाँ, बड़ी, मदर, पापा बनते हैं अभी ऐसा आप, कि सो सो सोया नहीं जाता ना सुबह सुबह तक, बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है ठीक हाँ बट 3-4 दिन होएंगे वहां पे, फन है, करेंगे यस फुल यस, पावर। पक्का भाई, पक्का भाई, जम के एकदम, ठीक है हाँ ठीक है भाई, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, ओके शांत रहो, गाइस, शांत बाय, रहो, टेक केयर, बाय बाय। ओके भैया बाय। तो दोस्तों जब सिद्धांत जायसवाल लाइव आए तो उसी के बाद आई गेस तरुण गिल सर ने कॉल या मैसेज किया था सिद्धांत जायसवाल को, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो वीडियो डाला था उनका थंबनेल भी चेंज कर दिया एंड उनका जो टाइटल था वो भी चेंज कर दिया। आई गेस उनको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ हर्ट हुआ है सिद्धांत जायसवाल को इसी की वजह से। तो उनके तरफ से जो कोऑपरेशन था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तरुण गिल सर ने इस चीज़ को बढ़ने नहीं दिया, वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था तरुण गिल का भी, एंड आई थिंक ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला सीन होना चाहिए। तो सिद्धांत जायसवाल ने एक स्टोरी डाली उसके बाद, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड स्टोरी पे उन्होंने लिखा है भैया का वो इंटेंशन नहीं था, बस जो लोग उन्हें फालतू बोल रहे थे उनके लिए वो थंबनेल था जो कि अभी डिलीट कर दिया है। सबको बेस्ट विशेस एंड ढेर सारा प्यार, हैशटैग पीस आउट। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एंड चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैशटैग पीस आउट।